नया संसद भवन त्रिकोणीय है, क्योंकि जिस भूमि पर नया संसद भवन बनाया गया है वो भी भूखंड त्रिकोणीय है, इसलिए उसका आकार जो है वो त्रिकोणीय है। कभी भी पूछेगा नए संसद भवन का आकार कैसा है, जो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के आर्किटेक्ट जो है, जो डिजाइनर है, जिन्होंने डिजाइन पूरा नक्शा तैयार किया है, वो है बिमल पटेल। नए संसद भवन में 1272 सीटें हैं, 1272 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जिसमें से लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 383 लोग बैठ सकते हैं। जो नया संसद भवन है उसका निर्माण कार्य 2019 से ही शुरू हो गया था और 28 मई 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको डेट भी याद रखना है कि 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। और नए संसद भवन के अक्षांश पर फोकॉल्ड पेंडुलम लगाया गया है, और जो कि घूमता रहता है, और उसके घूमने का जो समय है एक चक्कर पूरा करने का है वह 49 घंटे 59 मिनट 18 सेकंड में एक पूरा चक्कर वो कंप्लीट करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो फोकॉल्ड पेंडुलम है वो पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो वो एक चक्कर पूरा 49 घंटे 59 मिनट 18 सेकंड में पूरा करता है। और देखिए, नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बीच में महात्मा गांधी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये वही प्रतिमा है जो पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार पर लगा हुआ था। इसकी ऊंचाई 16 फीट है और पुराने संसद भवन के मुख्य द्वार पे 1993 में इसको स्थापित किया गया था, महात्मा गांधी की प्रतिमा को। अब उस प्रतिमा को वहाँ से हटाकर नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बीच में